हेलो गाइस, कैसे आशा करता हूँ यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइनक्राफ्ट के पांच एडोन्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के पांच एडोन्स बताने वाला हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के गेम प्ले को काफी खतरनाक वाला बनाने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीयू गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो जैसे कि आप लोग सबसे फर्स्ट वाला मोड देख रहे हैं तो ये आप लोगों को मतलब कुछ पबजी टाइप का वाला यहाँ पे आप लोगों को वेपन्स वाला मोड मिल जाने वाला है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे हाउस वगैरह मतलब जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक को आप लोग जैसे ही अपने फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैं DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। यूजर नेम आप लोगों के नीचे आप लोगों की फोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नीचे पे रिफ्लेक्स हो रहा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख रहे हो तो इस पर काफ़ी सारे एनिमीज आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसको यहाँ पे मतलब जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक में तो ऑटोमेटिकली आप लोगों में अलग अलग घर मतलब जो हाउस होते हैं वो स्पॉन हो जाएगा और वहाँ से आप लोग इसको मतलब खेल सकते हैं काफ़ी आसानी से। काफ़ी सारे आप लोगों के जो कोई भी आप लोगों का वर्ल्ड होगा उसमें ये वर्क कर जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज भी आप लोगों को घूमते हुए मिल जाएंगे, उसको आप लोगों को फायर करना है और इसी तरीके से आप लोगों को इसको प्ले मतलब यहाँ पे आप लोगों को उसको प्ले करना है। और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे वेपन्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारी गन्स मिल जाती है, काफ़ी सारे आर्मर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। ज़्यादा कुछ आप लोगों को इसमें दिक्कत वगैरह होने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करने वगैरह में तो वो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ही DM कर देना, वहाँ पर आप लोगों को मैं रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ गाइस, अभी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर का रिव्यू किया है, माइनक्राफ्ट शेडर का रिव्यू भी किया है, जिसमें आप लोगों का जो एंड्रॉइड में आप लोग काफ़ी अच्छे शेडर और काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपने गेम प्ले है उसको काफ़ी खतरनाक वाला बना सकते हैं, तो वो वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट माइनक्राफ्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब वो आपके स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यही था गाइस ये मोड, इसमें आप लोगों को काफ़ी वेपन्स वगैरह मिल जाती है, उससे आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमीज भी मिल जाएगी जिसको आप लोगों को यहाँ पे किल करना है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर कोई एनिमी मर जाता है तो उसकी जो पेटी होती है जो हमारे जैसे हम लोग पबजी में खेलते हैं वहाँ पे जो कोई एनिमी मर जाता है तो उसकी पेटी होती है, जैसे ही आप लोग उसके पास जाओगे तो वहाँ से इसको भी लूट वगैरह सकते हो। आप लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ पे लूट्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप ये रही पेटी तो इसके पास आप लोगों को जाना है, यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर टैप करोगे तो काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे ये पेटी की जगह पे आप लोगों को कुछ ना कुछ आइटम्स आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये हम लोगों को यहाँ पे कुछ आइटम मिली, क्या है वो मुझे पता नहीं लेकिन इसके पास जाएंगे तो कलेक्ट हो जाएगी। इसके ऊपर भी सेम टू सेम वही करना है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाने वाली है। आई होप गाइस आप लोगों को ये मोड पसंद आएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, अगर आप लोगों को मोड इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, सेकंड नंबर का मोड आप लोगों को यहाँ पे आर्मी टैंक वाला मोड मिल जाने वाला है। आर्मी टैंक को क्राफ्ट कैसे करते हैं उसको क्राफ्टिंग टेबल में यहाँ पे उसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कुछ आप लोगों को ब्लॉक्स इसी टाइप के रखने हैं यहाँ पे, और जैसे आप लोग इसके लिंक आप इसको डाउनलोड करने की इसकी लिंक के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को मतलब रेसिपी पता चल जाएगी, वहीं पर काफ़ी सारे फोटोज आप लोगों को मिल जाएंगे किस तरीके से क्राफ्ट करना है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसकी वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे वेबसाइट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से ही आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से इसको क्राफ्ट करना है, हमने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिए है और इसको मैंने पांच मतलब पांच क्राफ्ट किए हैं, तो इसे यहाँ पे स्पॉन करना है। अब बात आती है क्या ये वर्क करता है, तो हाँ गाइस ये वर्क कर जाता है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिक्कत वगैरह होने वाली नहीं है। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे स्पॉन किए, यहाँ पे आप लोग काफ़ी बड़े बड़े अगर पहाड़ भी होंगे तो उस पर भी ये चल जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत वगैरह यहाँ पे होने वाली नहीं है। कुछ इसी टाइप से क्राफ्ट करने के बाद आप लोग इसको आसानी से प्ले कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इसको अंदर जाना है वगैरह सब कुछ। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे तो उसके एंटर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग फायरिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोग एम भी देख सकते हैं गाइस, कितना बड़ा वाला एम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, व्हाइट कलर का एम, और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये फायर करेगा, और कुछ इस टाइप से फायर करेगा कि जहाँ पे आप लोगों ने अपना एम सेट किया वहाँ पे आग जलने लग जाएगी। ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये एडोन भी आप लोगों के माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाने वाला है, काफ़ी ओपी वाला एडोन है यार, आप लोगों को उसमें कुछ दिक्कत वगैरह होने वाली नहीं है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा कुछ अगर इंस्टॉल करके रखा है तभी आपका गेम लैग हो सकता है, वरना लैग का भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो यही था ये मोड, आई होप आप लोगों को ये मोड पसंद आएगा, और अगर इसमें कुछ नए अपडेट्स वगैरह आता है तो वो मैं आप लोगों को मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो ये पहले वाला यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि ये मैंने दो टैंक्स पहले स्पॉन किए हैं, तो इसको मतलब यहाँ पे टारगेट करते देखते हैं इसको कुछ होता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसको टारगेट किया तो इसके आजू जो आसपास यहाँ पे लाइट मतलब सॉरी गैस यहाँ पे आग जलने लगी, ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो हमारा नेक्स्ट वाला मोड है वो शायद से TNT मोड है, जिसमें आप लोगों को क्या होता है काफ़ी सारे हम लोगों को TNT मिलते हैं, लेकिन वो TNT मतलब कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। चलिए गाइस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वो किस टाइप का है, यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है, यहाँ से आप लोग इसको चेक करते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, आई होप आप लोगों को ये मोड पसंद आएगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग थर्ड नंबर वाला मोड देख रहे हो, ये वाला मैंने TNT मोड जैसे कि मैं आप लोगों ने पहले ही बताया। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे वेपन्स जैसे कुछ मिलेगा, TNT नहीं मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पे वेपन्स मिलेगा। क्या करना है कि आप लोगों को इस वेपन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जैसे आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे कि आप लोग आगे देख रहे हो, मैंने पहले वाला TNT फोड़ा था कुछ इस टाइप का है, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे रखा और आप लोग देखना कुछ देर के बाद यहाँ पे बड़ा सा धमाका होगा और काफ़ी सारे TNT के जैसा ही वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो गाइस कुछ इस टाइप का ये वर्क करने वाला है, मिल जाने वाला है। इसी टाइप का आप लोगों को काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के TNT आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ पे मोर TNT, यहाँ पे मोर TNT मोड इसको आप लोग बोल सकते हैं, ये कुछ है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे TNT को रखा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फटेगा, तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ सर्वाइवल सीरीज वगैरह खेलते हैं तो उनके साथ आप लोग मस्ती मजाक करने के लिए इस मोड को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वाला है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को माइनिंग वगैरह करनी है तो माइनिंग वगैरह करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इसका यूज़ करके आप लोग आसानी से माइनिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सर्वाइवल सीरीज़ खेलते हो तो उसमें मोड यूज़ करने का मज़ा ही मतलब पूरा मज़ा की दिक्कत हो जाती है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ खेलते हो तो इसका यूज़ ना करें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कैसा लगा यार ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को बात करूँ तो ये लो एंड डिवाइस में शायद से ये लैग मार सकता है गेम, क्योंकि ये TNT काफ़ी बुरी तरह से फटता है। मेरा गेम भी कुछ देर के लिए तो हैंग हो ही गया था, मतलब कि लैग मारने लगा था, लेकिन अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाएगा। कैसा लगा यार ये वाला एड ऑन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप लोग जैसे ही उस लिंक पे ऊपर क्लिक करोगे वहाँ से आप लोग इसको मतलब चेक कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट मोड आप लोगों को यहाँ पे फर्नीचर मोड मिल जाने वाला है। इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे फर्नीचर मोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। जैसे कि ये रही हमारी कुर्सी, मतलब यहाँ पे आप लोग इसको बैठ वगैरह सकते हैं। यहाँ पे टेंट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ रखा लेकिन ये आई थिंक ये सिलाई मशीन जैसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जा रही है। इसको यहाँ पे टेंट भी रख देते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो टेंट भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कलर्स मिल जाएंगे टेंट में, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिक्कत वगैरह होगी नहीं। यहाँ पे दो टेंट मैंने एक साथ रख दिया, जैसे आप लोग रखते जाओगे तो उसका कलर मतलब चेंज होता जाएगा, वो आप लोगों को मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत वगैरह होने नहीं वाली है। अगर आप लोगों को डिफरेंट कलर चाहिए तो डिफरेंट कलर में भी आप लोगों को ये मिल जाने वाला है। तो ये एडवांस का यूज़ करके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैंने टेंट मतलब यहाँ पे भी रखा है ग्लो स्टोन वाली जगह पे भी। ओके यहाँ पे हम लोगों को छोटा सा टेबल वगैरह सब कुछ मिल जाने वाला है, इस टेबल को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर का टेबल हो गया, इसके भी काफ़ी सारे कलर्स वगैरह मिल जाने वाला है, जो कि आपकी गेम प्ले को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। यहाँ पे हम लोग एक और स्पॉन कर देते हैं, देखते हैं भाई इसमें हम लोगों को दूसरा कलर कौन सा मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे मतलब रात को होने को आई है, तो हम लोग यहाँ पे वेदर वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, उसको भी मैंने यहाँ पे रोक दिया, ये कुछ होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब चेंज वगैरह कर सकते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्पॉन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यार आप लोग को काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के टेबल्स वगैरह देखने को मिल जाने वाले हैं। और कुर्सी की बात करें, ये कुछ अलग ही कुर्सी है, मतलब जो आराम वाली कुर्सी होती है वो कुर्सी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाली है। ज़्यादातर ये कुर्सी बीच होता है जो हमारा उसके यहाँ पे अब मतलब यूज़ होने वाली आप लोगों के यहाँ पे मिल जाने वाली है। इस पर आप लोग बैठ भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप का लुक मुझे यार उतना कुछ अच्छा नहीं लगा यार। मैंने उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को लैपटॉप का लुक भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को गेमिंग चेयर और गेमिंग कंप्यूटर वगैरह सब कुछ मिल जाने वाला है। वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर देना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस ये था हमारा फोर्थ नंबर वाला, आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ वो वाला काफ़ी खतरनाक वाला है, वो एक नाव वाला मोड है। तो चले गाइस वो भी हम लोग यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला नाव वाला यहाँ पे मोड, काफ़ी सारी बोट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो इसको जैसे आप लोग डाउनलोड करने जाओगे तो वहाँ से आप लोग मतलब डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे तो किस तरीके से इसको बनाना है, क्राफ्ट करना है, उसकी रेसिपी आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगी। और दूसरी बात बताओ तो आप लोग जैसे इन्वेंट्री ओपन करोगे मोड को इंस्टॉल करने के बाद, जैसे इन्वेंट्री ओपन करोगे तो इन्वेंट्री में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ कि किस टाइप के मतलब किस जगह पर आप लोगों को ये होने मिलने वाली है नाव, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही हमारे पास आइटम्स होती है अगर हम लोग क्रिएटिव मोड में खेलते हैं तो।
तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइटम होती है, तो हम लोगों को ढूंढने वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत वगैरह हो सकती है। तो यही थे गाइस आज के ये 5 मोड्स, आप लोगों को मैंने 5 एडऑन्स दिया, कैसा लगा यार वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को सबसे ज़्यादा वाला कौन सा वाला एडऑन पसंद आया वो भी मुझे ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए, सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सके। और अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर और शेडर्स चाहिए तो उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आप लोग हमारी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इन्वेंटरी में आप लोगों को किस जगह पे मिलेगी। तो आप लोगों को ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे बार बार क्लिक कराऊँ, जो हमारी बुक्स होती है इंचेंटमेंट बुक, उसके बाजू में ही बिल्कुल साइड में ही आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे नाउस वगैरह देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग नाउ को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा यार वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।